हम 26/11/2008 में हज यात्रा को छोड़ने जा रहे थे। हमारा चाचा का लड़का था, उसको प्लेन उड़ने के बाद 8:35 को ईटी स्टेशन पर आकर 17 दिन बैठे थे। इसके बाद हम सिद्धेश्वर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद 12 नंबर 13 नंबर गेट के ऊपर सिर्फ फायरिंग चालू हो गई। फायरिंग के अंदर हमारे चाचा का लड़के को छाती पर गोली बैठी और जगह पर मर गया। फिर दूसरी गोली हमारे मामू को बैठी, उसको बगल में बैठ गई, वो भी मर गया। मैं गिर गया। गिर जाने के बाद पीछे पाँव मेरा ऊपर उठा, फायरिंग फटाकड़ा उड़े जैसी फायरिंग हो रही थी। ऐसा सीधे पाँव में सी खड़ा हड्डी को लेकर गई, हड्डी पाँव नीचे लटकने पड़ा। फिर उसके बाद आ वो दूसरी गोली अटकी मेरे पैर में। फिर उसके बाद फिर सब जन 10-15 मिनट होने के बाद सब जन भागम भाग हुए। उसके बाद मुझे आकर हॉस्पिटल जजस पहले कॉमन हॉस्पिटल में ले, इसके बाद जज हॉस्पिटल में लेकर गए। उसके बाद यही मेरा इलाज चालू हो गया। बस एक साल जज हॉस्पिटल में था वेट। अभी गोला चालू है, मुझे गोला चालू है, अभी पाँव में दर्द है, मुझे चलना नहीं होता है कुछ। जब टाटा था संस्था की मदद मिली, और उसके बाद रतन टाटा की भी थोड़ी मदद कुछ मिली, और उसके बाद हमको बच्चा बेकार है, बच्चे को 10वीं पास है, बच्चे को नौकरी नहीं है, बच्ची भी पड़ी हुई है, सब घर में बैठ कर है। अभी अभी मुझे मदद की जरूरत है। आप कुछ तो हमारे लिए करिए सरकार से, ये कर कर।